अहम खबर से आपको अपडेट करें। लाहौर में गैंग वॉर के दौरान तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट का कत्ल, पुलिस ने शूटर समेत दो अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। अहम खबर आपको दें, लाहौर में गैंग वॉर के दौरान तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट का कत्ल, पुलिस ने शूटर समेत दो अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट पर फायरिंग अजहर शूटर ने की। मुलजिम साबिक रिकॉर्ड याफ्ता और आदि मुजरिम है। तफसीलात जान लेते हैं जहांगीर खान से। जहांगीर, मजीद क्या डिटेल सामने आई है? अभी लाहौर में जारी गैंग वॉर में जो मर्डर खालिया हुआ है वो जावेद भट्ट का था, जो कि तीफी भट्ट के बहनोई हैं, और इनको कत्ल करने वाले शूटर की गिरफ्तारी का दावा जो है वो सामने आया है। शूटर की शराफ अजहर के नाम से कर ली गई थी, लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा से इस शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया और साथ इसके एक साथी को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस का यह कहना है कि जावेद भट्ट कत्ल के लिए शूटर अजहर जो है वो बाकायदा तौर पर रैकी करता रहा, ये रिक्शा भी चलाता है और ये शूटर भी है, सबका रिकॉर्ड याफ्ता है। इससे पहले भी इसी नौयत के मुकदमा से जो है वो ट्रेस इस शूटर के अगेंस्ट जो दर्ज थे वो कर दिए गए हैं। मजीद तफ्तीश अभी जारी है। शूटर अजहर से जारी तफ्तीश में ये इंकशाफ होगा कि किस गैंग के कहने पर या किस ग्रुप के कहने पर इसने जावेद भट्ट को कत्ल किया। इस हवाले से पुलिस का ये कहना है कि तफ्तीश जारी है। मुलजिम अजहर के अलावा जो है दीगर अफराद को भी तफ्तीश में लिया गया था, लेकिन अब हतमी तौर पर जो शूटर है जिसने शूट किया, जिसने फायरिंग की, वो शूटर अजहर है। अजहर जो है वो संतरा के सादा का रिहायशी है। अभी पुलिस का ये कहना है कि इससे मजीद तहकीकात जारी है। शूटर को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया और तफ्तीश का अमल भी इस वक्त जारी है। बहुत शुक्रिया जहांगीर खान, आपने अपडेट किया।